कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। जितने भी छोटे छोटे बच्चे, अभिभावक, कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में मौजूद है, और जहाँ तक आवाज मेरी जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अब आज के कार्यक्रम के बारे में मैं क्या बोलूं? जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे कि हर बार युवा सप्ताह के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना होता है, जानकारी हुई कि राज्य निदेशक महोदय आना चाहते हैं, कैंप देखना चाहते हैं कार्यक्रम को, तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि इतना अल्प समय में, इतना कम समय में कार्यक्रम को कैसे किया जाए। तो मैंने हड़बड़ी में कहीं बोल दिया कि आप फलाने जगह फुटबॉल मैच करा देंगे, वहां भीड़ जुट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि क्रम ही होता है। जो लोग पुराने जुड़े होंगे वो जानते हैं कि युवा सप्ताह के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है। तो कुछ विचार नहीं आया मेरे दिमाग में, अंतिम में एक ही नाम जो दिमाग में आया वो ग्राम कवार और उसके जितेंद्र जी। एक बार जितेंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजा दी। और कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी सफलता है, किसी भी इंसान की अकेली नहीं होती। उसमें सुखराज हो गए या प्रमोद हो गए, जो भी कार्यकर्तागण है, सबका सहयोग रहा है। सबके सहयोग से कोई भी कार्यक्रम होता है वो सफल होता है। और एक छोटी सी चीज जो मैं साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, मुझे इस जिले में आए कम से कम 3.25 साल के आसपास हो रहा है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और जब मेरी पहली बार यहाँ पर पोस्टिंग आई थी, जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे बिहार में और बिहार में भी कैमूर में काम करना है, तो हम घबरा गए। घबराने को क्या वजह क्या है कि इतना गलत छवि बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में बाहर बना रखी है ना, कि वहाँ तो कट्टा चल जाता, हर घर में कट्टा होता है, गोली चल जाती है, तमंचे पर शादी हो जाती है, बहुत गरीबी है, इस तरह की बात। और हमको देखिए, हम पढ़े लिखे तब भी हम भी उन्हीं सब चीजों पे मान जाते कि हाँ ऐसा होता होगा। लेकिन जब हमारी पोस्टिंग हुई, हम यहाँ पे आए और देखा इतने जुड़े हुए लोग, इतने अच्छे लोग, कि मैं इस जिले में आया, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं घर से बाहर रह रहा हूं। बहुत अच्छा प्रस्तुति थी जो एक डांस करने के लिए आए थे मोहनिया से, उससे भी जुड़ी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। उनके गीत में एक छोटा सा गीत था छठ का। मैं कानपुर का हूँ, वहाँ छठ मनाई जाती है, लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं। अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि जब भी मेरा विवाह होगा, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा, हमेशा नहीं तो जिंदगी में तुम एक बार छठ का व्रत जरूर करना। वो आस्था, वो प्यार, वो अपनापन वो मुझे यहां देखने को मिला। और एक चीज ये भी इससे समझ में आई कि किसी दूसरे के कहने पे अपने मन में छवि नहीं बना लेनी चाहिए। मैं भी तो था पढ़ा लिखा, अच्छी अच्छी परीक्षा पास कर लेता था, लेकिन जो लोग बोल देते कि नहीं बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा है, तो मैं भी उसको सच मान लेता था। तो जो मुझे लगता है कि जो प्रेम मान सम्मान मुझे यहाँ मिलता जा रहा है, और मैं जो लोगों से जुड़ता चला जा रहा हूँ, और जब जिला छोड़ के जाऊंगा तो बड़ा कष्टदायी होगा मेरे लिए। जिले के लिए भी सर, जिले के हर एक घर के लिए। श्री योगी जी बैठे हैं, बिरजू जी बैठे हैं यहाँ पे। कल रात का वाक्य है,
कि कल राज्य निदेशक महोदय आए तो उनको छोड़ना, वहाँ पे त्रियोगी जी को छोड़ने के पश्चात मैं जब बिरजू जी को छोड़ने आया ब्लॉक पर, तो ठंड में इंसान गाड़ी चलाता है तो आँख में थोड़ा सा आंसू आ जाता है, तो बिरजू जी आंसू पोंछ रहे थे। घर रूम पर पहुंचने पे उन्होंने पूछा कि सर आप सही सलामत पहुंच गए ना। इसका मोल कैसे चुकाऊंगा, इसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। तो मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं ईमानदारी पूर्वक जितना भी अपने से हो सके इस जिले के लिए करके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक गण का, इस क्लब के सभी सदस्यों का, साथ ही साथ जो भी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, कल्चरल टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग सुन रहे हैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, निकल गए कि यही है, और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। जय हिंद, जय हिंद।